महोदय, प्रशासनिक हिंदी का आशय है राजकाज की हिंदी, सरकारी हिंदी, कार्यालयीन हिंदी। हिंदी के इस नवीन स्वरूप को मान्यता स्वतंत्रता के पश्चात मिली है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। वहीं हिंदी स्वतंत्रता के बाद राजकाज और प्रशासन के क्षेत्र में अपनी नई भूमिका के साथ अवतरित हुई। इस प्रकार हिंदी की एक नई विधा का आविर्भाव हुआ है, जो कालांतर में प्रशासनिक हिंदी के नाम से जानी जाने लगी, अर्थात हिंदी की एक नई प्रयुक्ति अस्तित्व में आई, जो कार्यालयीन हिंदी, राजकाज की हिंदी, सरकारी कामकाज की हिंदी आदि विविध नामों से प्रचलित हुई। प्रशासनिक हिंदी के विकास का काम संस्था के रूप में भारत सरकार में सन 1960 से प्रारंभ हुआ, जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। सौभाग्य से मैं उस समय इस संस्था से जुड़ा हुआ था। मुझे याद है उस समय हमारे पास कोई सहायक सामग्री नहीं होती थी, कोई मानक शब्दावली नहीं बनी थी जिससे हमें मार्गदर्शन मिल सके। ले देकर डॉक्टर रघुवीर का कोष था, जिससे हम यदा कदा सहायता लेते थे। हमें प्रशासन से संबंधित अनुवाद कार्य के लिए स्वतः ही कुछ नियमों का निर्माण करना पड़ा था। यूँ प्रशासनिक हिंदी में अनुवाद का प्रमुख स्थान है। अंग्रेजी शासन में जो सरकारी कामकाज हो रहा था, उसका रूपांतर हिंदी में जाना आवश्यक था। प्रारंभिक स्थिति में अनुवाद कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के सामने एक ही आदर्श होता था कि अंग्रेजी के पाठ को सरल शब्दों में और छोटे छोटे वाक्यों में रूपांतरित किया जाए, ताकि वह आम आदमी की समझ में आ जाए। हम लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि अंग्रेजी शासन चलाने वाले लोगों की भाषा है, जिसको जन साधारण तक पहुंचाने की कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई, जबकि उसे आम आदमी की छाया से बचाकर रखने की कोशिश की जाती रही। यह शासक और शासित के बीच अलगाव या दूरी रखने का प्रयत्न था। इसके विपरीत हम मानते थे कि हिंदी लोकतंत्र की भाषा है, स्वतंत्र भारत की भाषा है। यह शासक और जनता के बीच सीधे संपर्क और संवाद के लिए वचनबद्ध है। हमारी कोशिश रहती थी कि अंग्रेजी और संस्कृत के भारी भरकम शब्दों का उपयोग ना हो। लंबे वाक्यों को दो या दो से अधिक छोटे छोटे वाक्यों में बदल कर लिखा जाए। चूंकि शब्दावली नहीं बनी थी, इसलिए अनुवाद के साथ हमें शब्दावली निर्माण का कार्य भी करना होता था। उस समय के अनुदित प्रशासनिक साहित्य के कुछ नमूने आपको देखने को मिले तो आपको पता चलेगा कि उस समय की अनुवाद की भाषा अधिक सहज और सुबोध होती थी। मैं तो आज भी प्रशासनिक सामग्री के इसी प्रकार किए गए सहज, सरल और बोधगम्य अनुवाद का पक्षधर हूँ। इस अनुवाद कार्य को अधिक व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक रूप तब मिल सका जब भारत सरकार ने शब्दावली का निर्माण शुरू किया। महोदय, यह काम निदेशालय के ही एक विभाग में किया गया।
जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से बाद में एक पृथक आयोग बना। इस आयोग ने प्रशासनिक विषयों के साथ ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों की शब्दावलियाँ बनाने का काम हाथ में लिया। विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य प्रामाणिक ग्रंथों के अनुवाद का काम भी आयोग ने संभाला। यह अनुवाद कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों की ग्रंथ अकादमियों की देखरेख में होता था और आयोग में शब्द निर्माण का कार्य केंद्रीय स्तर पर किया जाता था। इससे अनुवाद के कार्य में गिरावट आई। अनुवाद और शब्द निर्माण के कार्य में दूरी आ जाने से दोनों कार्यों में शिथिलता आई, दोनों के स्तर में कमी आई। अत्यधिक व्यस्त प्रोफेसरों द्वारा ठेके पर जो अनुवाद किया जाने लगा उसमें न तो शब्द प्रयोग की एकरूपता का निर्वाह हुआ और न विषय को सुबोध शैली में पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। परिणामस्वरूप हिंदी ग्रंथ अकादमियों द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकें विश्वविद्यालयों में लोकप्रिय न हो पाई। अनुवाद श्रम साध्य कार्य है। अनुदित कृति को मौलिक रूप प्रदान करने के लिए विषय को संपूर्णतः समझकर तब अपनी भाषा में रूपांतरित करना होता है। इसमें जल्दबाजी की गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। साथ ही यदि शब्दशः अनुवाद किया गया तो भाषा कृत्रिम अस्पष्ट एवं दुरूह हो जाती है। कम से कम सरकारी कामकाज में ऐसी भाषा का प्रयोग समीचीन नहीं है। यूं हिंदी भाषा में शब्द की रचना की असीम क्षमता है। उपसर्गों और प्रसर्गों के योग से आवश्यकता अनुसार प्रशासन के विभिन्न संदर्भों पर नए नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इन प्रशासनिक शब्दों की एक विशेष बात यह भी होनी चाहिए कि चाहे इन शब्दों का साधारण अर्थ में प्रयोग संभव हो फिर भी प्रशासन के क्षेत्र में एकरूपता लाने की दृष्टि से इनका प्रयोग निश्चित संदर्भों में ही किया जाए। अनुवादक का दायित्व तो दो भाषाओं के बीच एक सेतु की तरह है। अनुवादक की वह इंजीनियर है जो सेतु के हर हिस्से की निगरानी करता है। मातृभाषा के साथ अन्य भाषा जानना और उसे अधिकारपूर्वक प्रयोग करना सरल कार्य नहीं है, यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। अनुवाद कार्य करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा दोनों पर समान अधिकार होना चाहिए। केवल अधिकार होना ही काफ़ी नहीं, वरन जहाँ तक संभव हो उसे भाषा संबद्ध समाज की संस्कृति साहित्य रीति रिवाजों से भी परिचित होना आवश्यक है। इस पर भी यह जरूरी नहीं है कि संस्कृति सभ्यता का जानकार तथा भाषा का अधिकार रखने वाला व्यक्ति कुशल अनुवादक भी हो। मेरे विचार में अनुवादक में दोनों भाषाओं के समुचित ज्ञान के साथ न्यूनाधिक स्वयं मौलिक रचना करने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि अनुवाद वह कला है जिसके माध्यम से किसी भाषा की रचित कृति को अन्य भाषा में लिखा है। अतः सफल अनुवादक को सृजनशील लेखक भी कहते हैं। जो अध्यापक या कर्मचारी हिंदी में सिद्धहस्त हैं अथवा हिंदी का महत्व समझते हैं तथा अंग्रेजी प्रेमी हैं उन्हें
प्रतिज्ञा पूर्वक एवं निष्ठा पूर्वक हिंदी प्रयोग का वातावरण बनाने के लिए, अंग्रेजी के दुर्ग को तोड़ने के लिए आगे आना चाहिए।